शांतनु नहीं करेंगे डिवोर्स पेपर पर साइन और ना ही साइन करने देंगे अपनी पत्नी ईशा को। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राव साहब पहुंच जाएंगे शांतनु और ईशा के घर जहां वो लोग रह रहे हैं। और राव साहब यहां अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफान लेके आते हैं। जी हां, राव साहब यहां पर लेकर आए हैं डिवोर्स पेपर शांतनु और ईशा का। यहां पहले तो ईशान को लेकर बहुत सारी बातें सुनाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं और कहते हैं ये पेपर ईशान ही लेकर आने वाला था लेकिन मैं लेके आया हूँ। और यहाँ डिवोर्स पेपर देते हैं और ईशा यहाँ पलट के जवाब देती है और साथ ही शांतनु यहाँ राव साहब को जवाब देते हैं कि वो इस पेपर पर साइन नहीं करेंगे। राव साहब पहली बार शांतनु का जवाब देख रहे हैं, वरना शांतनु ने आज तक अपने बड़े भाई राव साहब को कभी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था। राव साहब यहाँ पेपर रखकर गुस्से में चले जाते हैं और ईशा ये पेपर उठाती है साइन करने पर शांतनु उसे रोक देता है। साथ ही कहता है भले ही मैं आज तक कुछ नहीं बोल पाया पर अब मुझे पता है मुझे कहाँ और कैसे बोलना है और वो इस डिवोर्स पेपर पर साइन करने से साफ मना कर देता है और ईशा को भी उसकी पेन उसके हाथ से ले लेता है और साइन करने से रोक देता है, जिसे देखकर ईशा बेहद खुश हो जाती है क्योंकि आज तक कभी शांतनु किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते थे लेकिन आज ईशा के पक्ष में बोलता देखकर ईशा को बहुत अच्छा लगता है।